आज का महाजन। सो टुडे गाइस आई एम शोइंग यू माय नेल आर्ट किट। सो गाइस आप इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ये नेल आर्ट किट आपको कैसी लगी। तो ओपन करते हैं अपनी नेल आर्ट किट गाइस। तो सबसे पहले मैंने इधर लगाई यार, अब हम शुरू करते हैं अपने नेल आर्ट किट का टूर। सो गाइस इधर है हमारे पास नेल आर्ट ब्रशेस एंड टूल्स। सो गाइस मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, ऐसे हैं ये टूल्स। ये अगर आपको कोई फ्लावर बनाना है अपने नेल पे तो आप बना सकते हो इसकी हेल्प से गाइस। मैं इसको सो गाइस टूल्स तो मैंने आपको दिखा दिए, ब्रश से दिखा देती हूँ मैं आपको। ये मैंने अमेजोन से परचेज किया है, मैंने इनकी भी वीडियो डाली थी और उसके साथ लिंक भी डाला था। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो मेरी पिछली वाली वीडियो पे मैंने लिंक डाला हुआ है, तो आप देख सकते हो। सो गाइस इसको तो मैंने आपको दिखा दिया, अब दूसरी चीज़ पे जाते हैं गाइस। ये फेक नेल्स हैं, ये वाइट कलर के हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। सो गाइस ये वाइट कलर के नेल्स हैं, आप देख सकते हैं, मैं आपको एक दिखा देती हूँ लगा के आपके साइज के ऐसे लगते हैं ये गाइस। अगर आपको फेक नेल के साथ अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। आप कमेंट्स में मुझे बस बोल देना कि आपको वीडियो चाहिए नेल आर्ट के ऊपर। तो गाइस अब हमारे दूसरे नेल की तरफ बढ़ते हैं गाइस। ये हैं ट्रांसपेरेंट नेल्स। इसमें गाइस इसमें 100 नेल्स के पीसेस थे जिसमें से मैंने इसको यूज़ कर लिया है। और गाइस अब हम अपने दूसरे नेल की तरफ बढ़ते हैं गाइस। अब ये ट्रांसपेरेंट नेल पेंट मैं आपको दिखाती हूँ नेल। सो गाइस इसमें थे 300 पीसेस और ये 500 की किट आई थी पूरी। ऐसे मैंने इसमें कई नेल्स यूज़ भी करे हुए हैं। सो गाइस अपने नेक्स्ट नेल्स की तरफ बढ़ते हैं। सो अब मैंने ये मार्केट से परचेज किए थे फेक नेल्स, इसके साथ ग्लू लगी हुई है और ये 100 का एक पैक है जिसमें 12 नेल्स हैं। तो मैं आपको एक बारी ओपन करके दिखा देती हूँ। सो गाइस गाइस ये बहुत प्रिटी से नेल्स हैं, पिंक कलर के, लाइट पिंक कलर। गाइस जिनको नेल आर्ट नहीं आता तो वो डायरेक्ट परचेज करके इसको अपने नेल्स पे लगा सकते हैं क्योंकि इसके पीछे ग्लू पहले से ही लगी होती है गाइस। इसमें 2 नेल्स हैं जिसपे फ्लावर है, ये थंब पे लगाने के लिए हैं। और गाइस इसमें 12 पीसेस हैं। तो गाइस अब दूसरा देखते हैं नेल, दूसरे दिखाती हूँ। तो ये वाले दूसरे नेल्स हैं स्पार्कल वाले जिनको मैंने यूज़ कर लिया है, ओनली 3-4 आर लेफ्ट। सो गाइस मैं इनको भी आपको दिखा देती हूँ। सो गाइस ये बिना ग्लू के हैं। गाइस ये ऐसे ब्यूटीफुल से लगते हैं, ऐसे लगा सकते हैं इनको थंब पे भी ऐसे करके। सो गाइस अब दूसरे नेल की तरफ जाते हैं। सो गाइस मेरे पास दूसरे फेक नेल्स ये वाले हैं, ये मुझे बहुत ही प्रिटी लगते हैं गाइस। ये इनका कलर ग्रीन है पर ये मुझे बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो गाइस मैं इनको निकाल के दिखा देती हूँ आपको गाइस। इसके साथ एक ग्लू भी मिलती है और गाइस मैं एक बारी आपको दिखा देती हूँ। सो गाइस ये ग्रीन कलर के हैं स्पार्कल के साथ, ये मुझे मिले थे 200 के। सो
तो गाइस इसमें 12 नेल के पीसेस हैं, तो मैं आपको एक बारी दिखा देती हूँ। गाइस ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। फ्रेंड्स इसके साथ ग्लू भी एक मिली है। सो अब हमारे दूसरे नेल की तरफ जाते हैं। सो गाइस फ्रेंड्स इसके मैचिंग के, ग्रीन कलर की मैचिंग के मेरे पास रेड कलर के भी हैं। इसमें 12 पीसेस हैं। जैसे ये ग्रीन कलर के थे वैसे ये रेड कलर के भी हैं मेरे पास। मैं आपको इनको भी ओपन करके दिखा देती हूँ। गाइस इसमें भी ग्लू मिली है एक। सो ये भी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। ये देख सकते हो इसमें भी स्पार्कल है। सो अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। सो गाइस मेरे पास नेल के अलावा नेल को डेकोरेट करने के भी थिंग्स हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए होगी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर मैं इनके ऊपर वीडियो बनाऊँ अपनी नेल आर्ट को डेकोरेट करने की तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। सो गाइस फर्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे पास एक रिमूवर है, एक स्मॉल सी बॉटल है और एक बिग वाली है। तो ये बिग वाली बॉटल है जिसमें नेल रिमूवर है। ओके सो मैंने ग्लू भी रखी हुई है एक, ये पता नहीं इसमें क्या कर रही है। गाइस मेरे पास नेल शेपर भी है। सो गाइस ये मैंने DIY बनाया है अपने घर में। अगर आपको इसमें से कॉटन लेना है तो हम ऐसे करके कॉटन ले सकते हैं। सो गाइस मैंने ये भी रखी हुई है स्टिकी नोट्स। अगर किसी को मेरे से बनवाने हो नेल, मैं वैसे ही प्लेइंग में इसको यूज़ कर लेती हूँ इसमें। सो गाइस ये नेल की किट है, नेल्स के टूल्स। मुझे अभी तक इतना मैंने यूज़ नहीं किया पर मुझे अच्छे लगे थे तो मैंने ले लिया। इसमें बड़ी भी किट आती है, ये वैसे मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए यूज़ होता है पर मुझे तो करना नहीं घर में, इसलिए मैंने छोटी सी एक किट ले ली। अगर आपके नेल्स गंदे हो जाएं तो आप उनको साफ कर सकते हो। सो आप देख ही सकते हो इसमें 2 नेल कटर्स हैं। आपको दिखा देती हूँ, एक स्मॉल साइज़ के नेल कटर्स और ये नेल्स को शेप देने के लिए अगर आप उनको शेप देना चाहो तो। एक ये सीजर्स है और बाकी नेल्स के टूल्स हैं जिनको अगर आपको साफ करने हुए नेल्स को तो आप कर सकते हो। तो गाइस अपने दूसरे किट की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस इसमें टैटूज भी पड़े हुए हैं, अगर किसी ने लगाने हो तो मैं लगा देती हूँ टैटूज। ये वाले बड़े हुए हैं। सो गाइस ये भी टैटूज ही हैं कुछ, ये थोड़े से क्यूट क्यूट से स्मॉल स्मॉल से टैटूज हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसको ओपन करके। आप देख सकते हैं एक ये वाले टैटूज हैं, आप इनको कट करके एक एक लगा सकते हैं। तो गाइस मैं आपको एक वही सारे दिखा देती से छोटे से टैटूज हैं और एक केबल है। सो गाइस अपने नेक्स्ट चीज़ की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस ये स्मॉल स्मॉल से ब्लेंडर है फिटमी के, ये जब मैं मार्केट गई थी तो मुझे बहुत अच्छे से लग गए थे, क्यूट क्यूट से छोटे छोटे से, तो मैंने अपनी मम्मा को कहा था कि मुझे ये परचेज कर दो। इसमें 4 ब्लेंडर्स हैं क्यूट से, लाइट पिंक, डार्क पिंक
और पर्पल, डार्क पर्पल, लाइट पर्पल। सो गाइज इसमें थोड़े से स्टार्स भी हैं, अगर मेरा मन करे तो मैं इनको नेल आर्ट के में, अगर नेल आर्ट करनी है तो मैं उनमें यूज़ कर सकती हूँ। ये बहुत क्यूट से स्टार्स हैं, छोटे छोटे कलरफुल। सो गाइज ये वैसे ही मेरी नेल आर्ट की किट में पड़े हुए हैं। सो गाइज अब इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या है। अगर गाइज मुझे इसमें कुछ साफ करना है मतलब नेल्स में, तो मैं रिमूवर लगा के इसको कर लेती हूँ। और ये कुछ स्टोन्स हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और ये हार्ट शेप के हैं। सो गाइज ये नेल आर्ट में काम आते हैं, जो मैंने आपको पहले टूल्स दिखाए थे ना, ये वाले, उनसे पिक करने में काम आते हैं। पर इसको ऐसे नहीं पिक करा जाता, पहले ट्रांसपेरेंट नेल लगा के टूल्स पे पिक कर सकते हैं। अगर आपको इसकी पर्सनल वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर डालूँगी, कमेंट प्लीज़ कर देना। और अब ये स्टिकर्स हैं कुछ नेल्स पे लगाने के लिए, इसमें से मैंने कई यूज़ कर लिए हुए हैं, इतने बचे हैं। और दूसरा एक मेरे पास पड़ा हुआ है, उसमें सारे हैं। अगर आपको इनके साथ भी वीडियो चाहिए होगी तो मैं ज़रूर डालूंगी। टेप्स हैं जो नेल पे लगाते हैं, स्पेशली नेल्स के लिए हैं ये, मैं आपको ये दिखा देती हूँ। गाइज ये भी मैंने अमेजोन से ही परचेज की है, एक नेल की टेप टूटी हुई है। गाइज ये सिल्वर कलर की है, सिल्वर, ये गोल्डन कलर की है, ये पैक ही पड़ी है, मैंने तो बस टू ही यूज़ की थी। ये ग्रीन कलर की है, ये पिंक कलर की है, गाइज ये बहुत प्यारा कलर है। गाइज ये ब्लैक कलर की है, ये गोल्डन कलर की है, गाइज ये फिर से पिंक कलर की है, ये रेड कलर की, और ये ब्लू कलर की है। गाइज मैं आपको एक बारी दिखा देती हूँ ये कैसे की हैं। इनको नेल आर्ट में लगाते हैं जिनके स्पेशली बड़े नेल्स होए। गाइज ये ऐसे लगती हैं, अगर इस पे नेल पॉलिश लगा दें तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बन जाता है। तो गाइज ये स्मॉल सा बॉक्स कंप्लीट है। गाइज ये मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, ये मेरी सबसे फेवरेट किट की चीज़ है। तो गाइज मेरे पास नेल पॉलिश का स्टॉल पूरा है। सो गाइज मेरे पास नेल पॉलिश का स्टॉक पूरा फुल है, यही तो नेल आर्ट की शान है। हम इसको नेल पॉलिश अच्छी अच्छी लगा सकते हैं अपने नेल्स पे। सो गाइज मैं आपको एक एक करके कलर दिखा देती हूँ। गाइज मैं एक एक करके दिखाऊंगी, बस आप देखते जाइए। पॉलिश थी, इतनी मेरे पास नेल पॉलिश हैं। अगर आपको वीडियोस नेल आर्ट पे चाहिए होंगी तो मैं ज़रूर डालूंगी। अगर आपको मेरे न्यू हाउस की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करो इस वीडियोस पे, अगर कमेंट्स आए तो मैं ज़रूर अपने हाउस टूर की वीडियो डालूंगी। चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज ये मेरा सबसे फेवरेट है, इसमें ग्लिटर्स हैं जो नेल आर्ट में यूज़ करते हैं। ये आर्ट वाले ग्लिटर्स नहीं हैं, ये नेल आर्ट वाले ग्लिटर्स हैं, हम नेल आर्ट में यूज़ करते हैं। ये वैसे मैंने टिक टैक कर इसमें डाला हुआ है, इसमें भी मेरे नेल आर्ट वाला एक ग्लिटर है जो जिसमें वाला नेल आर्ट बॉक्स था मुझे टूट गया, तो मेरे पास ये किट कैट की बॉक्स पड़ा हुआ था इसलिए मैंने ले लिया। ये पिंक कलर का बहुत अच्छा है। अब दूसरा दिखाते हैं।
गाइस अब सिल्वर। गाइस ये बहुत अच्छे हैं नेल आर्ट के लिए, तो यही स्पेशली अच्छे होते हैं। अगर आप अमेज़ॉन में सर्च करोगे तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। इनकी बहुत शाइन होती है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये थोड़े से ही लगते हैं नेल आर्ट में, जो ब्रशेस मैंने आपको दिखाए हैं उससे लग जाते हैं ऐसे करके। सो अब दूसरे पे बढ़ते हैं। ये पिंक कलर का डार्क पिंक जो मैंने इसमें दिखाया था वो लाइट पिंक था, और ये डार्क पिंक है। मैं आपको सारे इसलिए ओपन कट के दिखा रही हूँ क्योंकि आपको अच्छी तरह पता लग जाए कि कैसे कैसे कलर हैं और इनको कैसे अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। गाइस ये बहुत अच्छी अच्छा सा है, मैं आपको थोड़ा सा और डाल के दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं इनकी बहुत शाइन सी है। आप इनको मिक्स करके भी लगा सकते हो, मल्टीपल कलर बन जाएगा, बहुत अच्छे से हैं ये। गाइस अब हम आपको ग्लिटर दिखाते हैं, ये वाला गोल्डन कलर का, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे बहुत ज़्यादा। ये थिक बहुत था, आप देख सकते हैं, वाओ सच अ नाइस कलर। गाइस जो मैंने आपको ब्रशेस दिखाए थे ये वाले, उनसे आप ये लगा सकते हो ऐसे करके। गाइस बहुत अच्छा लगता है, आपको कैमरे में दिख नहीं रहा होगा पर इससे लग जाता है। अब मैं आपको दूसरे कलर दिखाती हूँ। गाइस मैंने आपको ब्रश से भी करके दिखा दिया, बाकी कलर्स मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ब्लैक कलर है, ये बहुत सा रेयर सा मिलता है। इसको वाइट के साथ अगर लगाओ ना तो वाह वाह, गाइस ये बहुत अच्छा सा कलर है, देख सकते हैं। वाइट के साथ इसकी लुक और भी अच्छी आती है। गाइस जो इसकी बॉक्स है वो मुझसे टूट गई थी, क्योंकि वो गाइस वो ग्लास की थी इसलिए मुझसे टूट गई थी, तो मैंने इसमें डाल दी थी वो। ये मैंने यूज़ कर लिया हुआ है इसलिए इसमें हाफ रह गया बस। गाइस ये बहुत ही अच्छा कलर है, ये कॉपर शेड है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, आपको दिख रहा होगा मेरे ब्लैक भी लगी उसके साथ, इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है। अगर आप लगाना चाहो तो अच्छी लगता है, देखा वाओ। अगर आप इन ग्लिटर्स को मिक्स करके लगाओ तो मिक्स करके मल्टीपल कलर बन जाएगा, तो बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस ये ब्लू कलर है, मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। इसमें जो सारे कलर हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है क्योंकि ये न्यू है। गाइस ये ब्लू कलर कितना सुंदर, मैं आपको दिखाती हूँ, वाओ गाइस ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। सो गाइस ये आप किसी भी नेल पेंट के साथ लगा सकते हैं, तो मैं आपको टूल दिखा देती हूँ। ये एक साइड इसकी बिग होती है और एक साइड स्मॉल, तो मैं इधर ट्रांसपेरेंट नेल के साथ लगा रही हूँ। तो इतनी सी ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लेनी है आपने, और ये जो स्मॉल स्मॉल बीड्स है ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे ये आते हैं, इससे लगाते हैं। अगर आप ना लगाओ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे, इन अच्छी तरह नहीं होते। ये देखो ये इस पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया और इसलिए ये नहीं हो रहे हैं, और इस पर मैंने ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगाई है इसलिए ये हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ, इधर लगा और आप इसको नेल पे जिस नेल गाइस ये मैंने एक नेल लगा दिया स्टार शेप का है, ये मेरे पास हार्ट शेप का भी था, मैं आपको दिखा देती हूँ। सो गाइस ये ऐसे लगाते हैं, मैंने आपको एक दिखा दिया,
अगर आपको इस पे फुल वीडियो चाहिए तो मैं इस पे बनाऊंगी। अब मैंने नेल आर्ट की वीडियोस लानी है, पर पहले हम अपने हाउस टूर की वीडियो डालेंगे। अब गाइस ये मेरे पास 3 ग्लिटर्स हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे से ग्लिटर्स हैं। ये येलो कलर का तो बहुत ही पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास ये 4 थे या 5 थे, मुझे याद भूल गया, 5 थे, और उनमें से मेरे पास 3 बच गए हैं, बाकी मैंने यूज़ कर लिए हैं। ये ऑरेंज कलर का है एंड ये ग्रीन कलर का है, बहुत अच्छे से आएंगे ब्यूटी। गाइस अगर जिनके पास आर्ट एंड मतलब नेल आर्ट के ग्लिटर्स नहीं होते, वो आप ये नेल आर्ट मतलब ये आर्ट के भी ग्लिटर्स आते हैं, ये 5 रुपीज़ वाले पैकेट होते हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। ये पिंक कलर का एक और ये गोल्डन कलर का है। गाइस आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। बस मेरे पास नेल आर्ट वाले भी थे, ये वैसे नेल आर्ट के लिए पर्सनली बने होते हैं और ये आर्ट के लिए, पर आप इनको नेल आर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में बस यही बताना चाहती हूँ कि इट इज़ फॉर डेकोरेट माय किट। मैंने ये प्राइजेस नहीं लिखे, बस मैंने इसको डेकोरेट के लिए लिखे हैं। तो गाइस इधर ही हम फिनिश करेंगे अपनी वीडियो। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी दबा देना और कमेंट करना ये मेरी आपको नेल आर्ट की किट कैसी लगी। और अगर आपको मेरा हाउस टूर देखना है तो प्लीज़ वो भी कमेंट करना। बाय।